नमस्कार जय हिंद साथियों, अभिप्राय हम आपके अपडेट चैनल पर। जी हां साथी, मधुर विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत ताजा अपडेट निकल के सामने आ रही है। यहां साथ ही हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पांचवी सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है। इसको लेकर हम आपको बता दें कि मध्य विधानसभा चुनाव का फरमान जारी होते ही मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस में उथल पुथल मच चुकी है। यह ना तो बने रही है न्यूज के साथ। इससे पहले आप चैनल पहली बार वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ साथ ही हम आपको बताएं, मध्यप्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 228 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। जी हाँ साथियों, जाने किस सीट पर कौन ठोकेगा नेता, चुनावी ताल बने रही है न्यूज के साथ। जी हाँ साथियों, हम आपको बताएं, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की 228 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जबकि पार्टी ने इस बार केंद्र सरकार ने मंत्री सांसदों का भरोसा भी जताया हुआ है। वहीं आपको बता दें, मध्यप्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी विधानसभा चुनाव सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया हुआ है। जैसे आपको बता, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का दाव चल रहा है। इसको लेकर पार्टी ने कई सांसदों, केंद्र सरकार के मंत्री, एमपी विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया है। जिसमें भाई आपको बता, केंद्रीय मंत्री 7 सांसदों के नाम भी शामिल है। जैसे भाई आपको बता, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुश्ते विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इसका उम्मीदवार बना दिया। इन सभी के साथ का बने मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथी, वीडियो चले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।